डियर स्टूडेंट, मैं घनेन्द्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, हीरालाल बारह सैनी इंटर कॉलेज अलीगढ़। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम भौतिक विज्ञान के भाग एक में अध्याय 4 पर, जिसका शीर्षक है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, पर आपके साथ चर्चा के लिए उपस्थित हैं। छात्रों, आपके साथ इस अध्याय में हमने पूर्व के लेक्चर्स में बहुत से बिंदुओं पर चर्चा की। आज हम इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं छात्रों कि इससे पहले लेक्चर में हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो छात्रों, हमने इससे पहले लेक्चर में आपके साथ इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण, जब इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण करता है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। साथ में बोर मैग्नेट्रॉन को भी समझा था और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की थी, वो था धारामापी। ठीक, धारामापी पर आपके साथ विस्तृत चर्चा की थी, समझा था कि वह कैसे काम करता है, उसकी रचना क्या है, इन सब बिंदुओं पर। इससे संबंधित मैंने आपको कुछ गृह कार्य भी दिया था, मैं समझता हूं आपने कर लिया होगा। छात्रों, आज हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं और धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, साथ में इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो छात्रों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहला टॉपिक है आज का धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले छात्रों, आपने इसे प्रयोगशाला में देखा होगा, क्या कहते हैं इसे, अमीटर। क्या काम करता है ये, ठीक बता रहे हैं, वैद्युत परिपथ में धारा के मान के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर एक निम्न प्रतिरोध का धारामापी होता है, जिसका प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मापन में किया जाता है। तो छात्रों, अमीटर, अब हम ये जानना चाहेंगे कि गैल्वनोमीटर धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो छात्रों, सामान्यतः किलकित चल कुंडल धारामापी को अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अब धारामापी को अमीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, एक निम्न प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, और वो उसे अमीटर में बदल देते हैं। छात्रों, इस निम्न प्रतिरोध को जो धारामापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसे शंट कहते हैं। छात्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अलग से भी डेफिनेशन के रूप में पूछा जाता है। तो धारामापी को अमीटर में कैसे बदला, उसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़कर। अब चूंकि समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध डाला है, तो जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो उन दोनों के प्रतिरोधों से भी कम हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो छोटे से भी छोटा होता है। संयोजन का परिणामी विद्युत प्रतिरोध धारामापी और शंट के अलग अलग प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। ठीक है, यह संयोजन धारा को अधिक शुद्धता से मापन करेगा, क्योंकि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में डालते हैं और इसका प्रतिरोध हो गया बहुत कम, तो ये परिपथ में जो धारा है उसको प्रभावित स्वयं की वजह से नहीं करेगा और धारा के मान को बहुत शुद्धता से मापन करेगा। मैं आगे इस बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा कि ये सब चीजें हमने ऐसे ऐसे क्यों की हैं। ठीक है, पहले हम सीधे सीधे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण पर चर्चा कर लेते। तो छात्रों, जिस धारामापी को अमीटर में बदलना है उसका वैद्युत प्रतिरोध जी है। ठीक है, इसके साथ समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ दिया, एक शंट एस। ठीक है, अमीटर से मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा कितनी है छात्रों, आई। ठीक है,
अब इस धारा का अधिकांश भाग किससे गुजर के जाएगा? शंट से, और कुछ भाग इस जी से होके जाएगा। तो जी से जो जा रहा है वो है आई जी, और रिमेनिंग भाग आई माइनस आई जी किससे गया? एस से। शंट से अधिकांश भाग क्यों जाएगा? कि शंट का प्रतिरोध कम है और धारा उस रास्ते को प्रेफर करती है जिस रास्ते का वैद्युत प्रतिरोध कम हो। हम भी उस रास्ते से जाना चाहते हैं जिसमें कि अवरोध कम हो। ठीक है, बाईपास हो गई किससे? शंट से धारा। तो P और Q के बीच, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है छात्रों, तो P और Q के बीच जो विद्युत विभवांतर है वो समान होगा, मतलब इस आर्म में और इस आर्म में समान विभवांतर होगा। इस आर्म में कितना है छात्रों? तो देख लेते हैं, दैट इज आई जी इंटू जी। ठीक है, और इसमें कितना है छात्रों? आई माइनस आई एस, सॉरी आई जी इंटू एस। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एस बराबर आ गया आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, अर्थात जो आप शंट लगा रहे हैं, निम्न प्रतिरोध लगा रहे हैं, उसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि आप धारा मापी को किस रेंज के अमीटर में बदलना चाहते हैं। ठीक है, ओके, और आगे चर्चा करते हैं। तो अमीटर का विद्युत प्रतिरोध, इस पर विचार करते हैं। तो अमीटर में दो प्रतिरोध हैं, एक धारा मापी का और एक शंट, दोनों समांतर क्रम में हैं। तो नेट प्रतिरोध कितना हो गया छात्रों? तो नेट प्रतिरोध R अमीटर का अगर मैं देखूं तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, G प्लस S। ये छात्रों एक बटे R बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उससे संबंधित शंट का मान इस बात पर निर्भर करता है कि धारा मापी को किस परास के अमीटर में परिवर्तित करना है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो शंट का मान है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस रेंज का अमीटर बनाना है। तो छात्रों यहां तक आपका धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चन पूरा होता है। लेकिन छात्रों में अब इससे संबंधित एग्जाम में कुछ पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर चर्चा करता हूं जो अलग से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि परपथ में धारा मापने के लिए अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक बता रहे हैं आप, श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन आता है कि आखिर इसे श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का विभाजन नहीं होता है, संपूर्ण धारा इस अमीटर से होकर जाएगी। अगर मैं इसे ब्रांच में लगा दूं किसी में, तो उस ब्रांच, उस शाखा से जितनी धारा जा रही है, अमीटर केवल उसी को पढ़ेगा। तो पूरी धारा को पढ़े इसके लिए इसे किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम, जिससे परिपथ में प्रवाहित कुल धारा अमीटर से होकर गुजरती है और अमीटर से उत्पन्न विक्षेप परिपथ में प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करता है। अब क्वेश्चन यहां ये उठता है कि भाई धारामापी भी तो विद्युत धारा को, धारामापी भी तो विद्युत धारा के मापन में काम आता है, फिर यहां अमीटर की हमें जरूरत क्यों पड़ी? धारामापी जो है कि कुंडली अपने प्रतिरोध के कारण परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो परिपथ धारामापी की कुंडली के अपने प्रतिरोध के कारण परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब परिपथ का प्रतिरोध बढ़ गया तो परिपथ में धारा I बराबर V अपॉन R। ठीक है, तो R बढ़ गया तो I घट गया। ठीक है, धारा घट गई, इसका मतलब ये रहा कि शुद्धमान नहीं आया, शुद्धमान का मापन नहीं हुआ। अब शुद्धमान का मापन अगर नहीं हुआ और हमें शुद्धता चाहिए तो हम क्या चाहें? हम ये चाहेंगे कि जो अमीटर है उसका प्रतिरोध जितना कम से कम हो सके उतना होना चाहिए, और कम से कम करने के लिए हम क्या करते हैं? समांतर क्रम में, धारा मापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध डालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और छात्रों एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आदर्श अमीटर होता है
उसका विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो छात्रों आदर्श एमीटर का विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। छात्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा। तो छात्रों और चर्चा को आगे ले जाते हैं। बात हुई थी यहां शंट की, तो मैं जान लेता हूं कि शंट का लाभ क्या है। तो शंट का एक और लाभ भी है छात्रों कि धारामापी में संयोजित प्रबल धारा से धारामापी को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान। क्यों? कि बेसिकली जब शंट नहीं है तो सारी धारा किससे जाएगी? गैल्वेनोमीटर से। तो उसकी जो कुंडली है उसके क्षतिग्रस्त होने का डर बना रहे। कुंडली से ज्यादा धारा जा रही है तो ज्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा, तो उसके क्षतिग्रस्त होने का डर रहेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि शंट लगा दिया। शंट लगाने से क्या हुआ? मोस्टली जो करंट है वो शंट में से पास हो गया, तो गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली है, धारामापी की जो कुंडली है, उसमें से कम धारा जा रही है। इसका मतलब वो पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई। परंतु समान प्रबल धारा के संयुक्त धारामापी से होकर जाने पर धारा के अधिकांश भाग शंट से होकर गुजरता है तथा धारामापी में प्रबल धारा का केवल कुछ भाग गुजरता है। इस कारण इस प्रकार धारामापी सुरक्षित रहता है तथा इसके मापन का प्रयास भी बढ़ जाता है। तो हमने छात्रों इस पर विस्तृत चर्चा की, समझ भी लिया कि धारामापी का एमीटर में कैसे बदलते हैं, और विभिन्न बिंदुओं को भी हमने क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से समझ लिया। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो छात्रों इसे भी आपने प्रयोगशाला में देखा है। इसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या काम करता है? परिपथ में बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर को मापने के काम आता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का सीधे वोल्ट में मापन करने में प्रयोग किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो ठीक है, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जिस धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना है उसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया? उच्च प्रतिरोध। ठीक है, जिससे अब सीरीज में जोड़ा है तो संयुक्त प्रतिरोध कैसा हो गया? ज्यादा। तथा इस संयोजन अब जो आपने धारा मापी को वोल्ट मीटर बदल दिया और इस संयोजन को उन बिंदुओं के बीच लगा देंगे जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? अच्छा, उन बिंदुओं के भी कैसे जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जोड़ा और उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। किसका? वोल्ट मीटर का। तो उसमें से बहुत कम धारा जाएगी किसमें से? वोल्ट मीटर। तथा इस संयोजन के सिरों पर विभवांतर ठीक उन बिंदुओं के विभवांतर के ठीक बराबर हो, कम धारा जाएगी। तो जो संयोजन के सिरों पर विभवांतर, मतलब वोल्ट मीटर के सिरों पर जो विभवांतर है वो उन बिंदुओं के विभवांतर के ठीक बराबर हो जाएगा और शुद्धता पूर्वक विभवांतर का मापन कर सकेंगे। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर, थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, धारामापी जिसका वैद्युत प्रतिरोध कितना है? जी, उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध डाल दिया आपने, कैपिटल आर। संयोजन में कितनी धारा बह रही है? आई जी। और उससे इस संयोजन के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो गया वो कितना हुआ? वी। मतलब जिस वोल्ट मीटर में परिवर्तित हुआ उसका विभवांतर, वो कितना वोल्टेज नाप रहा है, मापन की जो परास है वो कितनी है? आता है संयोजन के सिरों पर विभवांतर कितना होगा छात्रों? तो विभवांतर का सूत्र V बराबर क्या होता है? आई आर। यहां धारा कितनी है छात्रों? आई जी। और प्रतिरोध कितना है? जी प्लस आर। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो R बराबर कितना हो गया छात्रों? V अपॉन आई जी, ठीक, माइनस जी। ठीक है, ठीक है, तो जो आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ रहे हैं उसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि आप धारा मापी को किस रेंज के वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं। और अगर इसका वोल्ट मीटर का
प्रतिरोध की बात करें आप, वोल्ट मीटर के प्रतिरोध की, ठीक है, तो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है छात्रों, मैं उसको आर वी से लिखे देता हूं, तो वो कितना होगा छात्रों? भाई दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? जी प्लस आर, ठीक है, ओके। आपका रूपांतरण संबंधित जो क्वेश्चन है यही पूरा हो जाता है। छात्रों अब हम इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं कि परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ते किस क्रम में, तो ठीक बता रहे हैं आप, समांतर क्रम में। तो अब क्वेश्चन उठता है कि समांतर क्रम में जोड़ते क्यों हैं, क्यों जोड़ते हैं इसे समांतर क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ने के लिए अभी बताया था हमने, ये जोड़ा है आपने समांतर क्रम में, तो क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो समांतर क्रम में जोड़ने से उसमें से कम धारा जाती है और उसके सिरों पर जो विभवांतर है वही उन बिंदुओं के विभवांतर के ठीक बराबर हो जाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा का कुछ मान वोल्ट मीटर से होकर गुजरता है, जिससे परिणाम स्वरूप वोल्ट मीटर के सिरों के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच विभवांतर के ठीक बराबर हो जाता है और शुद्धता पूर्वक मापन हम कर लेते हैं। किसका? विभवांतर का। अब हम बात करते हैं कि वोल्ट मीटर के अपने परिमित प्रतिरोध के कारण उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर भी परिवर्तित होता है। अगर हम पहले बात करें तो वोल्ट मीटर का एक परिमित प्रतिरोध है, ठीक है, जिससे क्या है, धारा उसमें से जा रही है, तो जो विभवांतर है उन बिंदुओं का वो क्या होता है, प्रभावित। अब हम शुद्धता पूर्वक मापन हम नहीं कर पाते, शुद्धता पूर्वक किसका, क्योंकि धारा के बहने से बिंदुओं के बीच विभवांतर प्रभावित हुआ, तो जो शुद्ध मापन है वो हम नहीं कर पाए। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो वोल्ट मीटर हो उसका प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि वोल्ट मीटर से गुजरने वाली धारा कम से कम हो, और जब कम से कम होगी तो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वह वोल्ट मीटर के सिरों पर विभवांतर के ठीक बराबर होगा और शुद्धता से उसका मापन कर सकेंगे। अतः विभवांतर के शुद्धता से मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना अधिक से अधिक संभव हो सके होना चाहिए। छात्रों आदर्श वोल्ट मीटर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। यह भी छात्रों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छात्रों हमने समझा, रूपांतरण को समझ लिया धारा मापी का वोल्ट मीटर में, बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन हुआ, चीजें बहुत आसानी से समझ में आई। अब हम चर्चा करते हैं आंकिक प्रश्न पर, इन्हीं पर आधारित। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 4.27, क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। यह पूर्ण स्केल विक्षेप का मतलब होता है आईजी। गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, चर्चा करते हैं छात्रों। दिया क्या है सबसे पहले, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दैट इज 12 ओम, और दिया है पूर्ण स्केल विक्षेप धारा आईजी That is 3 mA, तो 3×10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और भी दिया है रेंज कितने में, 0 से 18 वोल्ट, ठीक है। अब हम इसे गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है, वोल्ट मीटर में, तो क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध डाल देंगे, ठीक है, तो उच्च प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, तो छात्रों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध, तो सूत्र होता है R बराबर V अपॉन IG माइनस G, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो V का वैल्यू कितना है छात्रों, 0 से 18 वोल्ट में बदलना है, तो दैट इज IG कितना है, 3 मिली एम्पियर, 3×10⁻³
माइनस थ्री, और जी कितना है छात्रों, 12 है। अब अगर मैं इस 3 से इस 18 को देखूं तो 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया छात्रों। अब देखो 10 के हाथ ऊपर गई तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो गया 6000, ठीक है, माइनस 12, तो कितना आ गया छात्रों, ये आ गया 5988, ठीक है। इसका मतलब जो आप प्रतिरोध श्रेणी क्रम में डाल रहे हैं उच्च प्रतिरोध, वो कितना है, 5988 ओम का, ठीक है। इसका मतलब आप इस धारा मापी को 18 वोल्ट के, 0 से 18 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसके श्रेणी क्रम में 5988 ओम का वैद्युत प्रतिरोध डालना होगा छात्रों। और आगे एक और आंकिक प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। एनसीईआरटी में 4.28 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर है जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है छात्र, 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप आ रहा है, ठीक है, 0 से 6 एम्पियर के अमीटर में से बदलना है, कैसे बदलें, ठीक है छात्रों, देख लेते हैं दिया क्या है। तो दिया है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, दैट इज 15 ओम, पूर्ण स्केल विक्षेप धारा, दैट इज कितनी दी है, 4 मिली एम्पियर, तो 4×10⁻³ एम्पियर, ठीक है, ठीक है। और भी दिया है, इसे रेंज में बदलना है, 0 से 6 एम्पियर के अमीटर में, करना क्या होगा छात्रों, ठीक बता रहे हैं आप, समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जिसे क्या कहते हैं, शंट जोड़ना होगा। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए एक निम्न प्रतिरोध इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो जोड़ते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध, वो कितना होगा, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं छात्रों। तो शंट का जो प्रतिरोध होगा वो हम जानते हैं, S = Ig×G/I-IG, वैल्यू पुट करते हैं छात्रों, तो आईजी कितना है, 4 मिली एम्पियर था ना, 4×10⁻³, ठीक है, जी कितना है छात्रों, 15, ठीक है, ओ आई कितना है, 0 से 6 एम्पियर में बदलना है ना, तो 6 - Ig हो गया 4×10⁻³, ठीक है छात्रों। और सॉल्व कर लेते हैं, तो S = 15×4 = 60 हो गया, × 10⁻³। अब छात्रों नीचे देख लेते हैं, देखिए 4×10⁻³ को हम लिख सकते हैं 0.004, अगर 6 में से उसको घटाएं तो हमारे पास आएगा 5.996, ठीक है, 5.996। अगर छात्रों ये देखा जाए तो लगभग 6 ही है ये, तो मैं इससे जब इसको डिवाइड करूं तो लगभग 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ गया 10×10⁻³ ओ, ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं 10 मिली ओम। तो कितना प्रतिरोध डाला, 10 मिली ओम का, और किस क्रम में डाला, समांतर क्रम में, किस लिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए, किस रेंज के, 6 एम्पियर के रेंज, ठीक है। तो छात्रों ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम और कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को कर लें जिससे अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाए छात्रों। अब हम चर्चा करते हैं
कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो छात्रों, आज हमने सीखा सबसे पहले धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। और वहां हमने चर्चा की कि भाई हम धारा मापी के समांतर क्रम में एक छोटा निम्न प्रतिरोध डाल देते हैं, जिससे कि धारा मापी किस में बदल जाता है, अमीटर। उसका छोटे प्रतिरोध का मान जिसे शंट कहते हैं उसको भी हमने कैलकुलेट किया। हमने धारा मापी का वोल्टमीटर में भी रूपांतरण किया और हमने समझा कि धारा मापी के जब श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध डाल देते हैं तो धारा मापी वोल्टमीटर में बदल जाता है, ठीक है। और साथ में उसके फॉर्मूले पर भी हमने विचार किया, उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझा। साथ में हमने इन दोनों से संबंधित ऐसे बहुत से क्वेश्चनों पर चर्चा की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आदर्श अमीटर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। साथ में इन दोनों के रूपांतरण पर आधारित धारामापी का अमीटर और धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण के आधार पर आंकिक प्रश्नों पर भी हमने आपके साथ चर्चा की। छात्रों, इससे संबंधित कुछ गृह कार्य मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन कुछ है, शंट किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, आदर्श वोल्टमीटर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, और एक क्वेश्चन है कि एक धारा मापी को अमीटर और वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करते हैं, नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। साथ में छात्रों, हमने आपको आज गृह कार्य में एक क्वेश्चन ये भी दे रहे हैं कि जितने भी आंकिक प्रश्न हमने इस अध्याय में डिस्कशन के दौरान बहुत से आंकिक प्रश्न पर आपके साथ चर्चा की है, साथ में गृह कार्य के रूप में आपने भी उनको बहुत से क्वेश्चंस को कर लिया है, लेकिन जो दो चार क्वेश्चन और रह गए हैं उनको भी आप कर लें, जिससे कि ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाए। साथ में एक बार इसको रिवाइज भी कर लें, जिससे रिवाइज करने से चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं और कंठस्थ हो जाती हैं। छात्रों, इस अध्याय में हमने आपके साथ बहुत लंबी चर्चा की और चर्चा के दौरान बहुत सी चीजों को समझा, आपने भी अधिकांश चीजों पर सकारात्मक चर्चा की, आपने गृह कार्य को समय से किया, जिससे कि अगले दिन जब हम नया कार्य लेके आए तो वो भी आपको आसानी से समझ में आया। छात्रों, इस अध्याय को आज हम यहीं विराम देते हैं और मैं समझता हूं कि इस अध्याय की सारी चीजें आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम छात्रों एक नए अध्याय के साथ आपके सम्मुख चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।